हेलो किड्स एंड पेरेंट्स, आज की वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैथ्स की कुछ ऐसी वर्कशीट्स जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चों की नंबर की प्रैक्टिस घर पर आसानी से करवा सकते हो और बिल्कुल कम समय में और बिना पैसा खर्च किए आप घर पर ही इस तरीके के होममेड वर्कशीट बना सकते हो और बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे वर्कशीट्स आपके साथ शेयर किए हैं जिनकी हेल्प से मैंने भी अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवा ली थी। तो अगर आप पहले से बच्चों को घर पर प्रिपेयर करेंगे तो बच्चे क्लास में जाकर अच्छी तरह से टेस्ट दे सकेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है वर्कशीट नंबर 1। इसमें करना क्या है, काउंट एंड मैच विथ करेक्ट नंबर्स। यहाँ पर जो पिक्चर दिए गए हैं इनको काउंट करना है और इस साइड में बॉक्सेस में नंबर दिए हैं तो उसको मैच करना है। जैसे कि यहाँ पर 2 फ्लावर हैं तो 1 2 1 2। तो आप बच्चों के साथ बैठिएगा और उनको हेल्प कीजिएगा किस तरह से काउंट किया जाता है 1 2। तो उसके सामने वाली लाइन में 2 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, तो इसको यहाँ के 2 से मैच करना है इस तरह से। दिस इज वर्कशीट नंबर 2। इस तरह का ये वर्कशीट है। यहाँ पर क्या करना है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर ड्रॉ किए हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जैसे कि बॉल्स है, ट्रीज है, आइसक्रीम्स है, लॉलीपॉप, फ्लावर एंड स्टार्स है। तो इनको काउंट करना है अच्छी तरीके से और उनके सामने जो बॉक्स दिए हुए हैं उसमें नंबर को लिखना है, करेक्ट नंबर को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कितने बॉल्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पेरेंट्स आपको बच्चों के साथ बैठकर उनको अच्छी तरह से समझाना है और किस तरह से काउंट किया जाता है और उसके बाद वो नंबर यहाँ पर उनको लिखने के लिए बोलना है। जैसे कि यहाँ पर 9 बॉल्स है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 9। नेक्स्ट 1 2 3। हाउ मेनी ट्रीज हियर, 1 2 3। देयर आर 3 ट्रीज। तो उसके सामने वाले बॉक्स में हम लिखेंगे नंबर 3। ये वर्कशीट नंबर 3 है, काउंटिंग वाला है। यहाँ पर क्या है, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच पिक्चर। हर एक पिक्चर में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और जो करेक्ट नंबर होगा उसको यहाँ पर राइट करना है। हाउ मेनी मतलब ये कितने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाउ मेनी ट्रायंगल्स हियर, 11। सो वी राइट हियर नंबर 11, 1 1 11। ये है वर्कशीट नंबर 4। देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। लेट्स काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। अब इस पर क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इनको काउंट करना है और फिर उनके सामने जो नंबर के ग्रुप्स हैं उनमें से हमें सही नंबर को ढूंढना है और उसको सर्कल करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले में जो शेप्स बना हुआ है ट्रायंगल्स का वो कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 0 10, 1 2 12 एंड 1 5। इस तरह 10 12 और 15 के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इनमें से हमें करेक्ट नंबर को ढूंढना है और उसको सर्कल करना है। तो यहाँ पर 10 सर्कल है तो यहाँ पर 1 0 10 है। तो हमें क्या करना है, उसके सामने वाले जो नंबर्स है उनमें से 10 को सर्कल करना है इस तरह से। है ना, बहुत इजी। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कितने बॉल्स है यहाँ पर। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके सामने जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से 11 कहाँ पर है, 1 1 11। और इस 11 को हमें करना है सर्कल। और बिल्कुल इसी तरह से जो नेक्स्ट बाकी बचा हुआ है उसको भी हमें सर्कल करना है। सो पेरेंट्स, इस तरीके के कलरफुल वर्कशीट आप बच्चों के लिए ज़रूर बना के दीजिएगा। बच्चा पढ़ाई के लिए कभी ना नहीं कहेगा, उसका इंटरेस्ट लेवल और बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।